हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वातीज रसोई। आज मैं हरे मटर का पराठा बनाने जा रही हूँ। हरा मटर सर्दी के मौसम में आसानी से मिल जाता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। यह बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसे आलू टमाटर की सब्जी, चटनी, अचार के साथ खा सकते हैं। इन सब का रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। आटा लगाने के लिए हमें चाहिए 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा, आधा चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए, और मटर के मसाले के लिए हमें चाहिए 2 कप मटर, जिसको मैंने धोकर कॉटन के कपड़े पे आधा घंटा बिछा के रखा हुआ है, जिससे इसका सारा पानी सूख जाए। आधा बड़ा चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच साबुत जीरा, 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, रिफाइंड ऑयल इसको पकाने के लिए और पराठे को सेकने के लिए। सबसे पहले हम मटर को जार में डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। हमने मटर पीस लिया है। एक पैन लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड को गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद उसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा चटकने के बाद उसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, इसको 30 सेकेंड के लिए भूनकर इसमें हम डालेंगे मटर, जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है, और इसको अच्छी तरह मीडियम लो फ्लेम पे भूनेंगे। इसको बीच बीच में चलाते हुए हम भूनेंगे। मटर अब भून चुका है, गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आटा लगाने के लिए हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे, उसमें हम पहले गेहूं का आटा डालेंगे, फिर मैदा, नमक और 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अब पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। इसका आटा हम नरम ही लगाएंगे। आटा गूंथ लिया है, अब हाथ में थोड़ा सा तेल लेकर हम आटे में लगा लेंगे चारों तरफ, जिससे आटा सूखे नहीं, और इसको ढककर हम 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। मटर ठंडा हो गया है, अब हम इसमें नमक और जीरा पाउडर मिलाएंगे और इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। मटर मसाला पराठे में भरने के लिए तैयार है। 15 मिनट बाद हम आटा को फिर से एक बार लगा लेंगे। अब हम इसकी लोई लेंगे, ये मैंने गोल बना लिया है। अब हम इसको ऐसे करके फैलाएंगे। इसको मैंने ऐसे फैला लिया है आटा को। अब इसमें हम मटर का मसाला भरूंगी। एक पूरी में मैंने 1 चम्मच मसाला दिया हुआ है। अब मैं इसको ऐसे बंद कर रही हूँ। इसको मैंने बंद कर दिया है और एक्स्ट्रा आटा मैंने ऊपर से निकाल लिया है। अब देखिए, हमारी लोई तैयार हो गई है। मैंने दूसरी लोई के लिए आटा ले लिया है, इसको भी ऐसे ही फैलाएंगे। आटा को मैंने फैला लिया है।
इसमें मटर के मसाले डालूंगी और इसको ऐसे बंद करेंगे। ये लोई तैयार हो गई है, अब इसे बेल लेंगे। चकला पर थोड़ा सा तेल को फैला देंगे। और इस पे ये पराठा बेलेंगे। यह पराठा मैंने बेल लिया है, इसी तरह सभी पराठा बेल लेंगे। पैन हम गरम करेंगे, उस पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल फैलाएंगे। तवा गरम हो गया है, अब हम इस पे पराठा को सेकेंगे। एक साइड थोड़ा सा लाल हो गया है, अब हम पराठा को पलट देंगे। अब हम पराठा के ऊपर फिर से रिफाइंड डालेंगे और इसको पलट देंगे। इसे मीडियम लो फ्लेम पर सेकेंगे। पराठा तैयार है, इसी तरह सभी पराठे सेक लें। इसे आलू टमाटर की सब्जी के साथ खाइए, यह बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।